वादा खिलाफी के खिलाफ ये चेतावनी धरना है, हमारा सिर्फ चेतावनी धरना है आज। और ये मत सोचना बाबा जी, यहाँ एनआईयू के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, अपनी सरकार को जाके बता देना। लखनऊ में आपका प्रदर्शन, हिल गया योगी का मंत्रिमंडल। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव के खिलाफ धरना दे रहे हैं। दरअसल आपने उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव के विरोध में बुधवार को लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की कयादत में लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संजय सिंह ने यूपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के यूपी इंचार्ज संजय सिंह ने कहा कि पिछले असेंबली इलेक्शन में आम उपभोक्ताओं को सस्ती और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा करके हुकूमत में आई उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के दामों में 18 से 25 फीसद तक की बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया तो आम आदमी पार्टी सख्त मुखालेफत करेगी। सिंह ने कहा, आज धरने के माध्यम से हम योगी सरकार को केवल चेतावनी दे रहे हैं, अगर इन्होंने बिजली के दामों में इजाफा किया तो आम आदमी पार्टी उसकी ईंट से ईंट बजा देगी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो पार्टी हर जिले में आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में 18 से 25 फीसद का इजाफा करने की तजवीज दी, हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को 23,132 करोड़ रुपए का फायदा दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इसे समायोजित करने के लिए बिजली के दाम कम करने के बजाय यूपी की बीजेपी सरकार उसकी कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में उपभोक्ताओं को सस्ती तथा किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने की बात की थी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उनके साथ विश्वासघात किया। संजय सिंह ने कहा कि अवाम से किया गया वादा निभाने के लिए नियत होनी चाहिए, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के पास है, जिन्होंने बिजली और पानी जैसे बुनियादी सहूलियत को अवाम के लिए मुफ्त कर दिया है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।